बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार किया। जयराम रमेश ने लिखा था कि संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजानी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्वगुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है, इमारत नहीं नीयत बदलो। गौरव भाटिया ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए लिखा, दगे कारतूसों को लोकतंत्र की खुशी की शहनाई नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जब जब भारत गौरवान्वित होता है तो आपके यहां मातम का माहौल होता है। भारत को कोसते कोसते बहुत दूर निकल गए आप, विदेशी धरती पर कहना भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्या हर भारतीय का अपमान नहीं था? पास आइए भाई साहब, शहनाई भी सुनाई देगी और भारत के लोकतंत्र की ताकत भी दिखाई देगी। ट्विटर पर ये एक ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया, उसका जवाब वहां पर गौरव भाटिया ने दिया। चुनावी साल है, ऐसे में इस वक्त सोशल मीडिया पर भी सभी राजनेता एक्टिव रहते हैं, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, इसलिए कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और फिर यहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं सोशल मीडिया पर। इन दिनों यूं भी कुछ भी कहा जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जिसे अमर्यादित कहा जा सके, लेकिन इस विषय को लेकर वार और पलटवार दोनों ही तरफ से हो रहा है, और इसमें सोशल मीडिया यूजर्स नीचे और भी ट्वीट्स कर रहे हैं और भी जवाब दे रहे हैं, और आगे ये लड़ाई, सियासी लड़ाई आगे कहां जाकर रुकती है देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल यहां रुक रहे हैं और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, जल्द लौटते हैं।